अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्स दोस्ती वीडियोस और हम आज बात करेंगे टॉप थ्री इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 यानी इनकम टैक्स। हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल्स की, टैक्सेशन ऑफ सिगरेट एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की और स्पेशल टैक्सेशन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिसीज्ड पर्सन, जो शख्स जिनकी डेथ रिसेंटली हुई होती है, उनके हवाले से इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 87 है जो ये कहता है कि लीगल हेयर्स उनके जो होते हैं उन्होंने वो टैक्स जो उन पर बनता था उसको पे करना होगा। और अगर कोई प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, यानी कि कोई किसी नोटिस के हवाले से कोई प्रोसीडिंग्स हो रही हैं जिसमें वो डिसीज्ड पर्सन थे, तो उनकी जगह फिर उनके लीगल हेयर्स जाएंगे उनकी डेथ के बाद। और टैक्सेशन जो है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि टैक्सेशन जो है वो सिर्फ उतने हद तक, यानी टैक्स पे करना पड़ेगा जितने हद तक आपके फॉर एग्जांपल डिसीज्ड फादर की या किसी भी डिसीज्ड फैमिली मेंबर की वेल्थ जितनी थी, जितनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर की थी उस हद तक आपने टैक्स पे करना। अगर टैक्स उससे ज्यादा है तो फिर आपको जो है वो टैक्स पे नहीं करना होगा। और सारी चीजें, गिफ्ट, विल, ये सारी चीजें प्लान की जाए, इंपॉर्टेंट होता है। और अब सेक्शन 7E जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है उसमें तो प्रॉपर्टी को होल्ड करने पे भी रेजिडेंट पर्सन को टैक्स पे करना होगा। तो खुदा न खास्ता अगर आपके कोई भी फैमिली मेंबर किसी एक टैक्स ईयर में डिसीज्ड हो जाते हैं और उस टैक्स ईयर में उनके एसेट्स जो है 7E के तहत या और जो सेक्शन है उनके तहत उन पर टैक्स बनता था, तो वो लीगल हेयर्स ने पे करना है। और कोई प्रोसीडिंग्स अगर चल रही थी उनकी लाइफ टाइम में तो उनको भी करना है। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, आपके सामने लॉ से डायरेक्टली लिखा गया है, एनी प्रोसीडिंग विच कुड हैव बीन टेकन अंडर दिस ऑर्डिनेंस, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, अगेंस्ट द डिसीज्ड इफ द डिसीज्ड हैड सर्वाइव्ड मे बी टेकन अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज। इसका मतलब है कि अगर कमिश्नर इनकम टैक्स को आपके फैमिली मेंबर की डेथ के बाद याद आता है कि वो तो नॉन फाइलर थे, उन्होंने तो टैक्स नहीं पे किया, उनको तो 122 का नोटिस भेजना चाहिए था, उनसे तो वेल्थ स्टेटमेंट बनवानी चाहिए थी, तो वो आपको भेज सकते हैं और आपको उसका जवाब देना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे फैमिली मेंबर तो आप इस दुनिया में नहीं रहे और चीजों के मैनेज किए जा रहे हैं, तो ये चीज भी आप अपनी लाइफ टाइम में हर टैक्स पेयर मैनेज करे कि हर टैक्स ईयर के मामलात जो हैं सेटल्ड हों, टैक्स रिटर्न फाइल्ड हों, कोई नोटिसेस आए हों तो वो प्रॉपरली रिप्लाइड हों। और हम अगले टैक्स एग्जेम्पशंस जो हैं वो दी जाती हैं ताकि कोई भी इंडस्ट्री आगे बढ़े। सेकेंड शेड्यूल में, अगर आपको नहीं पता तो सेकेंड शेड्यूल में पार्ट वन में, चार पार्ट्स हैं उसके, पार्ट वन में जिस जिस बिजनेस का, इंडिविजुअल का, पर्सन का, इदारे का नाम लिखा है उसको टोटल एग्जेम्पशंस है। और हम कहते रहे कि आईपीपीज और बहुत सारे बिजनेसेस का नाम सेकंड शेड्यूल में आपको मिल जाएंगे जहां उनको टोटल एग्जेम्पशन अवेलेबल है। आज हम पार्ट टू में बात करें जो ये करती है कि अगर किसी ट्रांजेक्शन पर विथहोल्डिंग या एडवांस टैक्स ज्यादा लगता है तो वो उसका रेट कम कर लेती है। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग क्लॉज है, क्लॉज 24A, वो कहता है कि रेट ऑफ टैक्स जो है सेक्शन 153, ये सेक्शन 153 ये है कि अगर आप किसी विदहोल्डिंग एजेंट को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करेंगे, और यहां पर गुड्स की बात हो रही है, गुड्स प्रोवाइड करेंगे, तो आपसे 4% से लेकर 12% के दरमियान, डिपेंडिंग कि आप कंपनी है, सोल प्रोप्राइटर है वगैरह, आपसे डिडक्ट करेगा। और नॉन फाइलर के केस में तो ये डबल रेट यानी 24% होता है। तो यहां सेकंड शेड्यूल में एग्जेम्पशन दी गई है और एग्जेम्पशन बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सिगरेट वालों को भी जी, तो 24A में सिगरेट वालों को भी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वालों को भी एक टैक्स रिडक्शन दी गई है। यानी जब सिगरेट वाले गुड्स सप्लाई करेंगे किसी भी विदहोल्डिंग एजेंट को तो वो विदहोल्डिंग एजेंट 2.5% करेगा जबकि मिनिमम स्टैंडर्ड रेट 4% है, 8% है, 12, तो इनको फायदा। और इसी तरह फार्मास्यूटिकल वाले अगर किसी
विदहोल्डिंग एजेंट को करेंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, एनजीओ है, तो 1% उनसे डिडक्ट करेगी। तो चलें ठीक है, फिर भी थोड़ा फर्क है 2.5% सिगरेट वालों से और 1% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वालों से। दोनों इंडस्ट्रीज को जो है इंटरेस्टिंग बात यह कि दोनों इंडस्ट्रीज को इनकरेज किया जा रहा है कि ठीक है जी आप ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करें, आपसे टैक्स कम डिडक्ट होगा, आपका वर्किंग कैपिटल ज्यादा आपके हाथ में रहेगा, क्योंकि जब देखें विदहोल्डिंग ज्यादा डिडक्ट होता है ना तो बिजनेस में से वर्किंग कैपिटल नहीं जाता, निकल जाता, तो वो चाहते हैं कि काम हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो है, और ये अभी हुआ है बजट में, टिल टैक्स ईयर 2024, ये पिछले महीने तक जो टैक्स ईयर 2024 था, अब तो 2025 हो गया, ये जो एग्जेम्पशन है, और ये मैंने कुछ महीनों से देखी हुई थी, तो मैं चाह रहा था कि ये आप लोगों के नॉलेज में लाए, इंटरेस्ट में लाए, कि सिगरेट्स को भी 1% रेट था और फार्मास्यूटिकल का भी 1% रेट था, यानी कि अभी 30 जून 2024 तक दोनों अगर सप्लाई करते किसी विदहोल्डिंग एजेंट को और वो सेक्शन 153 की तरफ के अंडर उससे डिडक्शन करता, तो सिगरेट वाले से भी 1% डिडक्शन करता और फार्मास्यूटिकल वाले से भी 1% डिडक्शन करता। तो ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट कि पाकिस्तान में सिगरेट इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया जा रहा है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया जा रहा है। आपके मेरे फेवरेट्स, हाउ टू गेट अवे विद टैक्सेस, यानी ये सवाल हर टैक्स पेयर पूछता है, खासतौर पर जेन्युइन टैक्स पेयर, चाहे वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। तो हम बात करेंगे कि सिविल सर्वेंट्स ग्रेड 20 से लेके 22 तक, आपको पता है बड़ा प्रोटोकॉल होता है, टैक्स कैसे बचाया जा सकते, क्योंकि नॉर्मल मैं आपको बता दूं कि अगर किसी एम्प्लॉय को भी एम्प्लॉयर उसका, चाहे गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर है, उसको गाड़ी देता है, उसको पेट्रोल देता है, तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है उनकी सैलरी में शामिल होगा। और आपको पता है कि एक वक्त में कितना पेट्रोल, कितनी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, ये इस ग्रेड के यानी 20 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड के सिविल ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स जो है, सिविल ब्यूरोक्रेट्स कहना चाहिए, सिविल ब्यूरोक्रेट जो है कंज्यूम करते हैं, यानी हर वक्त उनके पास 8-10 लग्जरी गाड़ियां, गनमैन, ड्राइवर्स, उसके अलावा सपोर्ट स्टाफ, तो ये तो उनकी सैलरी में बहुत बड़ी अमाउंट, क्योंकि अगर आप पेट्रोल की फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करें, लग्जरी गाड़ी यानी अगर आपके पास मर्सिडीज वगैरह है तो उसका 10-15% हर साल आपकी सैलरी में शामिल होगा, तो ये तो उनकी सैलरी करोड़ों में चले जाए और उनपे तो टैक्स जो है लाखों रुपए बन जाए। लेकिन सेकेंड शेड्यूल में आते हैं दोबारा, पार्ट टू, उसमें क्लॉज 27 है, ये उन लोगों के लिए जो नीचे कॉमेंट्स में लिखते रहते हैं जी क्लॉज बताएं, क्लॉज आप तो अपने से बातें करें, आप तो अपने से बातें करें, नहीं अपने से बातें नहीं करें, ये टैक्स ईयर 2025 में भी ये क्लॉज बरकरार है, जबकि टीचर्स वाला वो हटाने लगे थे कि जी टीचर्स को 25% टैक्स बेनिफिट ना मिले। द टैक्स ऑन पेमेंट अंडर कंपल्सरी मोनेटाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर सिविल सर्वेंट्स इन BS22 से मतलब आप समझते हैं, तो एज रिड्यूस्ड बाय डिडक्शन ऑफ ड्राइवर सैलरी, यानी ड्राइवर की सैलरी कम करने के बाद दे रहे थे वो उनकी सैलरी में शामिल नहीं हो रहा था, IMF के कहने पे ही जब ये कुछ साल पहले ऐड हुआ, तो उन्होंने क्या किया है, इसको ऐड तो किया है लेकिन उस पर 5% फिक्स टैक्स लगा दिया, उन्होंने कहा कि ये सैलरी का हिस्सा नहीं बनेगा, सैलरी का हिस्सा ये नहीं बनेगा, तो इसका मतलब है उनकी सैलरी तो नॉमिनल होती है, इस ग्रेड में तो 1 से लेके ज्यादा 3 लाख रुपए तक पर मंथ सैलरी होती है, जिसपे बहुत भी ज्यादा टैक्स आए तो मतलब आप 40-50 लाख पे बहुत ज्यादा टैक्स भी आए तो वो इतना नहीं है, लेकिन अगर गाड़ियों की, पेट्रोल की, ड्राइवर की, और यहाँ पे तो ड्राइवर कह रहे हैं कि ड्राइवर की वैल्यू निकाल, तो फिर जो उनका रेट, क्योंकि आपको पता है ना सैलरीड पर्सन और नॉन सैलरीड, इसीलिए इस दफा इतना ज्यादा है कि उनका तो रेट 1 करोड़ से ऊपर चला जाएगा और उनको इस दफा सरचार्ज भी पे करना पड़ जाता अगर ये एग्जेम्पशन ना होती, यानी रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी ना होती, ये रिडक्शन है ना, जहाँ पे 40 लाख उनकी सैलरी है, उनको जो परक्विजिट और बेनिफिट मिल रहे हैं, जिसमें ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सिर्फ एक है। देखेंगे, मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और अपने कॉमेंट जरूर बताएं। ये थे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, आपसे नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हैं। थैंक यू।